किया है। इससे ये पता चलता है कि छत्तीसगढ़ सरकार सिर्फ राजनीति के लिए केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाती रही है, जनता को गुमराह करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां डेंगू क्लेम मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। स्वास्थ्य विभाग ने 25 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस सौंपा है, बिना जांच कर 77 लाख से अधिक के क्लेम का आरोप। स्वास्थ्य विभाग की जांच के बाद फर्जीवाड़ा सामने आया। आयुष्मान के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। न्यूज 18 ने इस फर्जी क्लेम की खबर को प्रमुखता से दिखाया था और कई अस्पतालों पर कार्रवाई भी की जा सकती है, यह भी जानकारी मिल रही है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इस खबर के बाद असर तो हुआ ही, साथ ही साथ कुछ और खबरों का भी रुख करेंगे। आपको बता दें कि दुर्ग से एक बड़ी खबर यह आई कि डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं। डेंगू मरीजों में एक 3 महीने का बच्चा भी शामिल है। अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। डेंगू प्रभावितों की संख्या बढ़कर 197 हो गई है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी साधना सिंह देवास पहुंचे हैं। यहां इंदौर भोपाल रोड के रिसॉर्ट में वे चाय पीने के लिए रुके। दरअसल कलेक्टर कार्यालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मीटिंग थी, लेकिन वो निरस्त हो गई और शिवराज सिंह चौहान ओंकारेश्वर से भोपाल के लिए जा रहे थे और रास्ते में चाय पीने के लिए कुछ देर के लिए वो रिसॉर्ट पर रुके। और रिसॉर्ट में चाय पीने के लिए जब वो रुके, उस दौरान की कुछ तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखाते चलें। देवास से ये तस्वीरें सामने आई। मीटिंग कैंसिल हुई तो कुछ समय टी ब्रेक उन्होंने लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह मौजूद थी। चाय के लिए रिसॉर्ट में रुके। इंदौर भोपाल रोड पर रिसॉर्ट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चाय पी, परिवार के साथ वहां पर थे। और दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी यहां चाय पीने के लिए रुके थे और देवास पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे और अब नजर डालेंगे खबरें 25 सेकंड्स में। रायपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का राज्य सरकार पर गंभीर आरोप, कहा चुनावी साल में राज्य सरकार करने जा रही है चावल घोटाला, प्रदेश की जनता से माफी मांगे सीएम बघेल। जशपुर से जेपी नड्डा ने किया जंग का ऐलान, कहा सनातन का अपमान करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, नहीं चलेगी मोहब्बत की दुकान। विधानसभा चुनाव के पहले एक्शन में कोरबा पुलिस, चेकिंग में कार से मिले 17 लाख रुपए, पुलिस ने कार ड्राइवर को किया गिरफ्तार। गरियाबंद में आदिवासी समाज ने चलाया जेल भरो आंदोलन, बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग हुए शामिल, 7 से ज्यादा लोगों के खिलाफ दर्ज FIR। कवर्धा में बस चालक की बड़ी लापरवाही, उफनते नाले से कराई बस पार, मौके पर नहीं मौजूद पुलिस के जवान, कवर्धा पंडरिया मुख्य मार्ग पर है ये नाला। अजय चंद्राकर ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा रायपुर को भ्रष्टाचार ने खा लिया, जिसको जो अवसर मिल रहा है वहां लाभ उठा रहा है। पीएस सिंह देव की तारीफ के बयान के बाद बीजेपी का भूपेश बघेल पर तंज, बीजेपी प्रवक्ता राजेश मूणत बोले डिप्टी सीएम तारीफ करते हैं और सीएम को वो तारीफ पचती नहीं है। बिलासपुर में उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर बवाल जारी, स्टालिन की तस्वीरों को बनाया पावदान, सनातन धर्म पर दिए विवादित बयान पर भड़का लोगों का गुस्सा। अमित चिमनानी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा छत्तीसगढ़ महतारी को सीएम के नीचे छोटा सा स्थान देकर किया जा रहा है अपमानित, भाजपा ने मां को हमेशा दिया है सम्मान। राजनांदगांव में आरोपी ठग गिरफ्तार, रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। रायपुर में डेंगू क्लेम में बड़ा फर्जीवाड़ा, स्वास्थ्य विभाग ने 25 से ज्यादा अस्पतालों को सौंपा नोटिस, बिना जांच कर 77 लाख से अधिक के क्लेम का आरोप, आयुष्मान के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका। दुर्ग में दूसरे दिन भी सीबीआई की कार्रवाई जारी, पुराना के रेलवे पीपी यार्ड में चल रही है जांच,
मैकेनिकल विभाग के 4 दफ्तरों को किया गया सील, दफ्तरों को खंगालने में जुटी सीबीआई की टीम। दुर्ग में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप, दफ्तर में काम करने वाली महिला ने लगाया आरोप, पुलिस और सीएमएचओ से की गई शिकायत, आरोपी डॉक्टर को पदभार से किया गया मुक्त। दुर्ग में डेंगू के 3 नए मरीज आए सामने, डेंगू मरीजों में 3 महीने का बच्चा भी शामिल, डेंगू प्रभावितों की संख्या बढ़कर हुई 197। और यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। इसमें ब्राजील करेगा अध्यक्षता, भारत ने ब्राजील को मेजबानी सौंपी।